नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी गीत माला के नवे एपिसोड में मैं शशि किरण एमआर वीडियो टेक परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का प्रेम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हम अपने कार्यक्रम में दो नए कलाकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। उत्तराखंडी गीत माला के नवे एपिसोड में पहला गीत लेकर प्रस्तुत हो रही हैं अंजू भंडारी जी। यह एक गढ़वाली गीत है और इस गीत का छोटा सा सार यह है कि प्रेमिका प्रेमी को वैशाख के गति मेले में बुलाती है और ये कहती है कि हम चरखी में बैठेंगे, मिठाई खाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मुझे तुम्हारी बहुत दिनों से याद आ रही है। आइए सुनते हैं ये मीठा सा गीत अंजू भंडारी जी की आवाज में। नमस्कार, मैं अंजू भंडारी, आइए आप सबको मेले मेले चलती हूँ इस गढ़वाली गीत के द्वारा। दीगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, दीगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, मेरा मुलक मेला है जय, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जय, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जय, दीगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, मेरा मुलक मेला है जय, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जय, हो 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 चील मी को पीछ सुवा चील मी को पीछ, चील मी को पीछ सुरमा चील मी को पीछ, बंड दिना बैठे न सुरमा तेरे खुद लगीच, तेरे खुद लगीच सुरमा तेरे खुद लगीच, उख चर खीरटे सुरमा उख खटे मिठे, सुरमा उख मंदिर मजोला सुरमा उख पूजा पिठे, ले जय मेरे सुरमा सरेला सुरमा है जय, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलक मेला, मेरा मुलक मेला है जय, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जय, हो 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 ला 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 ला, हो 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 ला 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 ला। धन्यवाद। इस कड़ी का अगला गीत प्रस्तुत है शिवचरण शिबू जी की आवाज में, जिसका छोटा सार यह है कि पंचमी का पर्व उत्तराखंड में बहुतायत में मनाया जाता है। इस पर्व में बेटियों के मायके से उनके ससुराल के लिए पकवान और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। किंतु कोई कोई बेटी ऐसी है जिसके मायके से कुछ भी नहीं आ पाता और वह उदास हो जाती है, अपने आप को कोसने लगती है। आइए सुनते हैं ये भावुक कर देने वाला गीत शिवचरण शिबू जी की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचरण शिबू, आप लोग सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूं, उम्मीद से आप लोग हंत के पसंद आलो, तो लियावा सुना थोड़ा सा गीत। के पंचम को मैं ना फिर बोली की याद दिलाने में ते अपना मैं दुखी, है के पंचम को मैं ना फिर बोली की याद दिलाने में ते अपना मैं दुखी, अपना दगड़ की अपना गो खान की, अपना दगड़ की अपना गो खान की, अपना चपड़ा नड़ों के पांच में
तुमको मैं ना फिर बोलेगी, याद दिलाने में ते अपना मैं चुकी, है के पाँच तुमको मैं ना फिर बोलेगी, याद दिलाने में ते अपना मैं चुकी। उत्तराखंडी गीतमाला के नवे एपिसोड में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई आवाज। इनका नाम है रेखा शर्मा। पेशे से यह अध्यापिका हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। एमआर वीडियोटेक परिवार ने इनसे संपर्क कर इन्हें गाने के लिए प्रेरित किया। इनके गीत में एक दर्द है और इनकी आवाज बहुत सच्ची आवाज है। इनके गीत का सार यह है कि यह उस समय की बात है जब टिहरी बांध बन रहा था और एक पिता अपने बेटे को चिट्ठी लिखकर ये कहता है कि बेटा अब तुम खूब दिनों की छुट्टियां लेकर आना और बचपन में बिताए हुए उन पलों को याद करना, उन जगहों को याद करना जहां तुम्हारा बचपन बीता था। अब तुम ये गांव और अपना देश दोबारा ना देख पाओगे क्योंकि यह सब पानी में डूब चुका होगा। आइए सुनते हैं ये भावुक कर देने वाला गीत रेखा शर्मा जी की आवाज में। सिमन्य मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, आज आपका समक्ष मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक गीत प्रस्तुत करनो छा। यू गीत ट्यून तब गायित थो जब री हमारो टीरी जो छा डूब क्षेत्र में आएगी थो। तो यह गीत मा एक पिता की व्यथा छा, जय मा वो पिता अपना बेटा नी तय की जलम भूमि दिखना तय बुलाण लग्यू और बताने लगी हूँ कि ये टीरी अब डूबन वालू। तो एक बार वो ऐते अपना गांव गांव में घूम लियो। आशा अच्छा आप तो ये बहुत पसंद आलू। अबारी दात्यो लंबी छुट्टी लेके आई, एगी बगत आखिर टीरी डूबना लग्यू छा बेटा, दामे का खातीर अबारी दात्यो लंबी छुट्टी लेके आई, एगी बगत आखिर टीरी डूबना लग्यो छा बेटा, दामे का खातीर अबारी दात्यो लंबी छुट्टी लेके आई, बेटी जायो गोलागेड़ जो मातु खिली के सयानुए तू, बेटी जायो गोलागेड़ जो मा खिली के सयानुए तू, गला गणे ये डिंडाई ये चौक जो बाटो आणु जानु रे तू, जो बाटो आणु जानु रे तू, कखने देखना लठारा त्वेन, कखने देखना लठारा त्वेन, जल में भूमि या फिर टीरी डू
यूं छा बेटा डामे का खातीर आबारी दा त्यों लंबी छुट्टी लेके आई हे नागीरा जा हे भैरो तुम्हारो हम न क्या जी खाई हे नागीरा जा हे भैरो तुम्हारो हम न क्या जी खाई हे बोला दबदी रितवेन काख अपनो मोकलो काई कख मोक लुकाई हे विधाता कन रूठना हमसे हे विधाता कन रूठने हमसे देवताओं का मंदिर टीरी डूबना लग्यो छा बेटा दामे का खातीर अपारी दात्यो लम भी छुट्टी लेके आई एक भगत आखिर टीरी डूबना लेग्यूं छा बेटा दामे खा खातीर अबारी दात्यो लंबी। नमस्कार। उत्तराखंडी गीतमाला के नवे एपिसोड में चौथा और अंतिम गीत लेकर प्रस्तुत हो रही हैं हेमलता जुयाल जी। ये भी एक नई कलाकार हैं और पहली बार हमारे साथ इस कड़ी में अपने गीत की प्रस्तुति कर रही हैं। वे अपने गीत में उन बेटियों का दर्द बयां कर रही हैं जो किसी कारण से अपने मायके नहीं जा पा रही। पंचमी के पर्व में घरों के दरवाजे पर जब जौ लगाई जाती है तो बेटियों को अपने मायके बुलाया जाता है और कुछ बेटियां किसी कारणवश जो मायके नहीं जा पा रहे हैं वे अपना दर्द इस गीत के माध्यम से रख रहे हैं। आइए सुनते हैं यह भावुक कर देने वाला गीत हेमलता जुयाल जी की आवाज में। आई पंचमी माओ के बाटी है रानी जाओगे आई पंचमी माओ के बाटी है रानी जाओगे आयो बेना चेत को बाटू बतगे मेत को आयो बेना चेत को बाटू बतगे मेत को कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार स्नेह और विश्वास हमारे बहुत काम आता है। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और भी कोई कलाकार जो हमसे जुड़ना चाहते हों हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुति करना चाहते हों वे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
MR वीडियो परिवार की ओर से मैं शशि किरण अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।